जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीमा प्रेरी में। मैं हुसैन राठौड़ और सामान्य ज्ञान की इस वीडियो में आप जानेंगे अपने देश भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, इसके साथ साथ भारत के सभी राज्यों की लोकेशन चलित मैप के द्वारा व वर्तमान मुख्यमंत्री, राज्यपाल और वहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती रही हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भारत की अवस्थिति या भारत का परिचय। एशिया महाद्वीप में स्थित भारत ग्लोब पर उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार देखें 8° 4' उत्तरी अक्षांश से लेकर 37° 6' उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार है 68° 7' पूर्वी देशांतर से 97° 25' पूर्वी देशांतर। भारत का उत्तरीतम बिंदु इंदिरा कोल जो कि लद्दाख में तथा दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है जो 6° 4' उत्तरी अक्षांश पर है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गोरमाता गुजरात में एवं सबसे पूर्वी बिंदु किबिथू अरुणाचल प्रदेश में है। भारत की उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई 3214 किलोमीटर व पूर्व से पश्चिम की अधिकतम लंबाई है 2933 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें स्थान पर है। इसे याद करने का एक आसान ट्रिक भी है, रुक चीन अब आया भारत। रुक से नंबर 1 पे है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, नंबर 2 पे है कैसे कनाडा, नंबर 3 पे है चीन से चीन, नंबर 4 पे ऐसे है अमेरिका और नंबर 5 पे वैसे है ब्राज़ील और नंबर 6 आया से ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 पे अपना देश भारत। अगर जनसंख्या की बात करें तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 121 करोड़ है। और अब देखते हैं भारत से लगने वाले पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई अवरोही क्रम में। स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत से सबसे ज़्यादा बांग्लादेश सीमा साझा करता है। भारत की बांग्लादेश के साथ कुल लंबाई 4096 किलोमीटर की जो नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे चीन के साथ 3488 किलोमीटर की, नंबर 3 पे पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की, नंबर 4 पे नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की, नंबर 5 पे म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की और नंबर 6 पे भूटान के साथ 699 किलोमीटर और नंबर 7 पे है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की स्थलीय सीमा बनाता है। और भारत के जलीय पड़ोसी देश में श्रीलंका और मालदीव हैं। इसके अलावा भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर व दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। भारत की समुद्र तट की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर की है एवं स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर की है। इसके अलावा 23.5° उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा की अगर बात करें तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा पर स्थित शहर रांची है। भारत का मानक समय रेखा 82.5° पूर्वी देशांतर नैनी प्रयागराज से लिया गया जो ग्रीनविच 0° ग्रीनविच रेखा लंदन से 5.5 घंटे आगे है। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब देखते हैं भारत के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का लेटेस्ट अपडेट। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। दादरा और नगर हवेली, दमन एवं द्वीप केंद्र शासित प्रदेशों को 26 जनवरी 2020 को विलय कर यानी कि मर्ज कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। इसे अब दादरा और नगर हवेली एवं दमन और द्वीप केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जाना जाता है तथा इसकी राजधानी दमन है। इसके अलावा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। इसे हम केंद्र शासित प्रदेशों के वीडियो में देखेंगे। अब देखते हैं भारत के सभी राज्यों को चलित मैप की सहायता से और राज्यों की लोकेशन भी आप अच्छे से समझ पाओगे। तो आज का हमारा पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। यह है भारत के मैप में अरुणाचल प्रदेश, सबसे पूर्व में स्थित, लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं यानी कि उगते सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। इसका गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। और वर्तमान गवर्नर की बात करें यानी कि वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा जी हैं। अरुणाचल प्रदेश का मुख्य त्यौहार लोसर
और अरुणाचल प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है वो मुखौटा व युद्ध नृत्य है। और यहाँ प्रमुख जनजातियों की बात करें तो आदिस, मिसमी, मोनपा आदि विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ निवास करती हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा स्टेट नागालैंड। अरुणाचल के जस्ट नीचे नागालैंड को देखते हैं, ये है भारत के मैप में नागालैंड, तो इसको यहाँ ले आते हैं। फाल्कन कैपिटल के नाम से जाने जाने वाला नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। नागालैंड की राजधानी कोहिमा और वर्तमान चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और वर्तमान राज्यपाल है श्री रविंद्र नारायण रवि। नागालैंड का मुख्य त्यौहार है हॉर्नबिल फेस्टिवल है, इसे त्यौहारों का त्यौहार भी कहते हैं क्योंकि ये त्यौहार लगभग 10 दिन तक मनाया जाता है। नागालैंड का मुख्य लोक नृत्य है कुकुई कुच्चो एवं बांस नृत्य। कुकाई कुच्चो और बांस नृत्य नागालैंड का मुख्य नृत्य है। अब देखते हैं मणिपुर, ये है इंडिया के मैप में मणिपुर। मणिपुर का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। मणिपुर की राजधानी इम्फाल और वर्तमान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर को भारत का आभूषण एवं पूर्व का स्विट्जरलैंड आदि उपनामों से भी जाना जाता है। किबुल राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क है। नंबर 4 पे है मिजोरम, ये है भारत के मैप में मिजोरम। मिजोरम 20 फरवरी 1987 को भारत का 23वां राज्य बना और मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जोराम थंगा। मिजोरम के वर्तमान राज्यपाल हैं श्री पी एस श्रीधरन पिल्लई। मुख्य भाषा में मिजो हिंदी व अंग्रेजी। मुख्य त्यौहार छपराकुट मीमकुट पावनकुट आदि मनाए जाते हैं। अगला स्टेट है त्रिपुरा। त्रिपुरा को 1972 में राज्य का दर्जा मिला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला तथा वर्तमान सीएम की बात करें चीफ मिनिस्टर हैं विल्लभ कुमार देव और वर्तमान गवर्नर हैं श्री रमेश बैस। वर्तमान राज्यपाल हैं श्री रमेश बैस। क्षेत्रफल की दृष्टि से त्रिपुरा भारत का 3रा सबसे छोटा राज्य है जिसका कुल क्षेत्रफल 10,491 वर्ग किलोमीटर है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगर त्रिपुरा से छोटे राज्यों की बात करें तो नंबर 1 पे सबसे छोटा राज्य है गोवा जिसका क्षेत्रफल है 3,702 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पे सिक्किम आता है 7,096 वर्ग किलोमीटर और तीसरे नंबर पे त्रिपुरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये थे 3 सबसे छोटे राज्य। नेक्स्ट राज्य देखते हैं असम, तो ये इंडिया के मैप में असम। असम की कैपिटल दिसपुर। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा सरमा और असम के वर्तमान राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम में स्थित है जो ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है जो एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बिहू, बगरुम्बा, बोराल और झुमूर। अगला स्टेट देखते हैं मेघालय, ये है भारत के मैप में मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलोंग और मेघालय के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो है श्री कॉनरेड के संगमा और मेघालय के वर्तमान राज्यपाल हैं श्री सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट स्टेट है सिक्किम, ये है भारत के मैप में सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। सिक्किम के जो वर्तमान मुख्यमंत्री वो प्रेम सिंह तवांग है और सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 2रा सबसे छोटा राज्य है सिक्किम जिसका क्षेत्रफल 7,096 वर्ग किलोमीटर है। अगला स्टेट है पश्चिम बंगाल, ये है भारत के मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। कोलकाता हुगली नदी किनारे पर बसा हुआ शहर है। के चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी हैं जो 3री बार सीएम बनी है अभी और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। अगला स्टेट देखते हैं बिहार, ये है भारत के मैप में बिहार। बिहार की राजधानी पटना और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो है फागू चौहान। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश, ये है भारत के मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है और यहाँ के जो वर्तमान सीएम हैं वो हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी और वर्तमान राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल।
उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 19,95,81,477 है और लोकसभा की सबसे अधिक सीट उत्तर प्रदेश से ही है, जो 80 सीटें हैं। दुधवा नेशनल पार्क यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है। अगला स्टेट देखते हैं उत्तराखंड। यह है भारत के मैप उत्तराखंड। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 में किया गया था और उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और यहाँ की समर कैपिटल है गेरजन। उत्तराखंड के वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं तीर्थ सिंह रावत और वर्तमान गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्या। उत्तराखंड का प्रमुख त्यौहार की बात करें तो हरेला पर्व यहाँ का प्रमुख त्यौहार है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है, जिसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट स्टेट है हिमाचल प्रदेश। यह है भारत के मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क पिन वैली नेशनल पार्क यहाँ के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट स्टेट है पंजाब। तो यह है भारत के मैप में पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के वर्तमान सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। पंजाब का मुख्य लोक नृत्य भंगड़ा और औरतों द्वारा डाले जाने वाला मुख्य नृत्य है गिद्दा। पंजाब की राजभाषा पंजाबी। पंजाब राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं हरियाणा। यह है इंडिया के मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के वर्तमान गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्या। और कालेश्वर नेशनल पार्क सुल्तानपुर नेशनल पार्क यहाँ के मुख्य नेशनल पार्क हैं। तो अब देखते हैं राजस्थान। यह है इंडिया के मैप में राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर और राजस्थान के वर्तमान सीएम है वो हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। रणथंभौर नेशनल पार्क सरिस्का केवला देवी घना पक्षी विहार ये राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट राज्य है गुजरात। ये है भारत के मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के वर्तमान सीएम है विजय रूपाणी जी और गुजरात के वर्तमान राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत जी। गुजरात को स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। गुजरात का गिर नेशनल पार्क एसीटिक लायंस के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। ये है भारत के मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के वर्तमान गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जिसका कुल क्षेत्रफल 307,713 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा संजय गांधी नेशनल पार्क गुगुमल नेशनल पार्क यहाँ के मुख्य नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र का मुख्य लोक नृत्य है लावड़ी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, जिसकी कुल जनसंख्या 11,23,72,972 जनगणना 2011 के अनुसार है। अब देखते हैं गोवा। यह है भारत के मैप में गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है तथा गोवा क्रांति दिवस 18 जून को मनाया जाता है। गोवा की मुख्य भाषा कोंकणी है। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रमोद सावंत है। गोवा के वर्तमान राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। देखते हैं अगला स्टेट कर्नाटक। यह है इंडिया के मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। कर्नाटक के वर्तमान सीएम है येदुरप्पा बीएस येदुरप्पा और कर्नाटका के वर्तमान राज्यपाल है बज्जू भाईवाला। कर्नाटक का मुख्य लोक नृत्य है यक्षगण ढोलू पुनीता, यानी कर्नाटक के फेमस डांस की अगर बात करें तो यहाँ का है यक्षगण। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली भी कर्नाटक में बन रहा है। बांदीपुर नेशनल पार्क अस्सी नेशनल पार्क नगर हुल्ली नेशनल पार्क आदि यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। केरल। यह है इंडिया के मैप में केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। केरल के वर्तमान राज्यपाल हैं आर एफ महमद खान
और केरल के मुख्य त्यौहार में ओणम, थेयम और थिरुसुपरम। अनाईबुड़ी सोला नेशनल पार्क यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है और शांत घाटी भी केरल में स्थित है। अगला स्टेट है तमिलनाडु। ये है इंडिया के मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु के वर्तमान सीएम की बात करें तो एम के स्टानिक। तमिलनाडु का वर्तमान राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। अगला स्टेट है आंध्र प्रदेश। यानी कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था, इसका गठन 1956 में हुआ। आंध्र प्रदेश कैपिटल की बात करें तो आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हैं वर्तमान में। लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती, एजुकेटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम और जुडिशियल कैपिटल है कुरनूल। आंध्र प्रदेश के वर्तमान सीएम है जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश का वर्तमान राज्यपाल यानी गवर्नर है विश्वभूषण। और फेमस नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ का पप्पीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क मुख्य नेशनल पार्क है। फलों का सबसे बड़ा उत्पादक भी आंध्र प्रदेश है। अगला स्टेट उड़ीसा है। ये है भारत के मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और उड़ीसा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री वो है नवीन पटनायक जी और उड़ीसा के वर्तमान गवर्नर है गणेशी लाल। और 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस भी मनाया जाता है जिसे उत्कल दिवस के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का भी उड़ीसा में स्थित है। और यहाँ के प्रमुख उत्सव की बात करें तो नुआखाई उत्सव, क्षेत्र यात्रा उत्सव, लज महोत्सव आदि यहाँ के प्रमुख उत्सव है। अगला स्टेट है झारखंड। ये है भारत के मैप में झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची जो कर्क रेखा पर स्थित शहर है। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है और झारखंड का राजकीय पशु हाथी है। अगला स्टेट है मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है जिसमें 10 नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जिसमें 9 नेशनल पार्क हैं। और तीसरे नंबर पर असम है जिसमें 7 नेशनल पार्क हैं। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्कों की बात करें तो कान्हा नेशनल पार्क, माधवगढ़ नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क आदि नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट स्टेट है छत्तीसगढ़। ये है भारत के मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल है वह अनुसुईया कुवेती। अगला स्टेट है तेलंगाना। ये है भारत के मैप में तेलंगाना। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना का गठन किया गया और तेलंगाना के वर्तमान जो सीएम है वो है के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिल साई सौंदराजन। तेलंगाना के प्रमुख त्यौहार की बात करें तो कानुप्पा त्यौहार तेलंगाना का प्रमुख त्यौहार है। और कासुब्रह्मा नेशनल पार्क, मार्गबंदी नेशनल पार्क यहाँ के मुख्य नेशनल पार्क है। ये थे भारत के 28 स्टेट। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भारत के 8 सभी केंद्र शासित प्रदेशों को। और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बताया स्टेटों को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।